हंडलिया प्रयागराज बीपी पब्लिक स्कूल में किया गया विज्ञान प्रदर्शन। आपको बता दें, बीपी पब्लिक स्कूल कटेहरा हंडलिया प्रयागराज में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया विज्ञान दिवस व वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि मां डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्य का शुभारंभ किया। एक से बढ़कर एक बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई, सभी ने अपना हुनर दिखाया। किसी ने जे सी बी व सोलर स्टीम व पर्यावरण मुक्त घर, सभी बहुत ही अद्भुत टैलेंट दिखाया गया। मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को ट्रॉफी गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया। सुरेश चंद्र मौर्य ने कहा, बच्चे देश का, हमारे देश का भविष्य है। एक बेटी शिक्षित हो तो एक परिवार शिक्षित होता है। बेटी भी किसी से कम नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बीपी पब्लिक स्कूल के सभी टीचरों को भी सम्मानित किया गया। संरक्षक श्री लाल चंद मौर्य, प्रबंधक वेद प्रकाश, प्रधानाचार्य आर बी पटेल, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हंडलिया आर बी पाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर अश्वनी यादव आदि मौजूद रहे। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए प्रयागराज हंडलिया से मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बीपी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी को और यहाँ के गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे साथ आए अतिथियों को भी और पत्रकार बंधुओं को भी, और साथ ही साथ बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ के गुरुजनों ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, ये प्रतीत हो रहा है, और इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। इन्होंने पर्यावरण, चक्की, अभी आपने देखा जेसीबी और तमाम हाउस बच्चों ने बनाया, उधर एक लिफ्टर बनाया बच्चों ने, उधर 3D बनाया बच्चों ने। इसलिए हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और साथ ही साथ आज अभी हम प्रबंधक जी से भी कहेंगे, और अभी हमारा नंबर भी आएगा तो हम बताएंगे कि इनके साथ साथ जो आपने ग्रीन प्रोजेक्ट यहाँ तैयार किया है, हर बच्चों से एक एक पौधा भी लगवाने की कृपा करें, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है।
ऑक्सीजन लगाने पर पौधा अपना ही जीवन, बच्चे अपने ही जीवन नहीं, आने वाले समय में जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको भी जीवन दान देंगे। और इसकी समस्या अभी आपने विगत दिनों में देखा था, कोरोना काल में भी आपने देखा था कि बहुत बड़ी समस्या आई थी ऑक्सीजन की। तो निश्चित रूप से हम तो यहाँ के प्रबंधक से निवेदन करेंगे कि हर बच्चों से पौधा लगवाएं और पौधे के साथ एक रजिस्टर बनवाएं और उस रजिस्टर में बच्चे का नाम लिखें, उस पर भी एक नंबरिंग करें, इस पर भी एक नंबर होगा, एक सब्जेक्ट बढ़ा दें। और हम लोगों से भी जो सहयोग होगा विद्यालय परिवार को करेंगे। और आप जैसा जानते हैं कि विद्यालय परिवार प्रथम गुरु माता पिता, और उसके बाद बच्चा जब LKG UKG में जाता है तो जो प्रथम गुरु होते हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार का पाठ जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा संस्कार आज हम सबकी मूलभूत आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज करते हैं। जो आए हमारे वार्षिक उत्सव है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो प्रमुख जी ने बोला, हमें आग्रह करेंगे जो प्रमुख जी बोले हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य की पौधे लगवाने के लिए, वो कार्य हम पूर्ण करेंगे। जैसा कि आज आपके स्कूल का वार्षिक उत्सव भी है, तो आप अपने क्षेत्रवासी और ग्रामवासी और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्कूल की तरफ से? अपने स्कूल के लिए संदेश दे जाएंगे, वह आगे ऐसे कार्य मतलब कि बढ़ते हुए क्रिया को ऐसे करते चलते रहेंगे कि शिक्षा और भविष्य का सामना करेंगे। सर, आज यहाँ पर बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाया, उसमें बहुत सी चीज़ें बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया है, आप उन बच्चों को और स्थानीय लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?